Hello, welcome to the Nina Food Habit channel. So, viewers, today what we are going to be cook, the recipe name is Moringa. So, agar aap Moringa banana chahte hain, so ye stripe ka easily aapke vegetable market mein available ho jata hai. So there is a lots of benefit of eating this Moringa. वैसे तो इसको आप ड्रमस्टिक भी कहते हैं, इसे सांभर भी बनाया जाता है और इसको सृजन की फलिया भी कहा जाता है. सो नॉर्मली जो ये जो वेजिटेबल है ये बहुत ही कैल्शियम रिच होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का भी सोर्स है. सो मैं इसको जो बनाऊँगी वो आलू के साथ बनाऊँगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छीलना शुरू करते हैं. तो छीलने में थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें. तो इसके जो टिप है ये स्ट्राइप का ऊपर से और ये इसका नीचे का जो टिप है इसको बिल्कुल हमें कट कर देना है और ये इसका पूरा जो पोर्शन है ग्रीन वाला इसको हमें बिल्कुल ग्रेट कर देना है. तो विद द हेल्प ऑफ नाइफ, नाइफ की मदद से हम क्या करेंगे, इसको छील देंगे अच्छे तरीके से और हम इसके पीसेस करेंगे. सो वैसे तो इसका एक और भी बेनिफिट है, लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन अपने जॉइंट्स में जो ग्रीस कम हो जाता है उससे निजात पाने के लिए पाए खाते हैं. तो पाए जो होते हैं वो आप मटन के पाए भी खाते हैं और जो मतलब अगर आप उसको स्किप कर दें तो उसकी जगह अगर आप ये वेजिटेबल यूज़ करते हैं एज अ नॉन वेजिटेरियन, एज अ वेजिटेरियन तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है. तो दीज आर द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा, सृजन की फलियाँ एंड ड्रमस्टिक. सो डॉक्टर भी काफ़ी रिकमेंड्स करते हैं और बेसिकली ये बिल्कुल ब्लेस्ड प्लांट है और ख़ास करके एक बड़े ट्री पर लगता है. सो ठीक है, चलिए मैं इसको आपको कैसे बनाते हैं वो बनाना स्टार्ट करती हूँ. सो सबसे पहले मैं इसको छीलना स्टार्ट करूँगी. तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए मेरी वीडियो को कैसे मैं इसको बनाती हूँ. आप घर पे बनाइए अगर आपको अच्छा लगता है. सो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट भी कीजिए. सो कीप वॉचिंग. तो इसको आप कैसे छीलेंगे ये देखिए, इसको ऐसे आपको सिर्फ छीलना है. इस तरह के जो थ्रेड्स हैं उसके निकल आएंगे अच्छे तरीके से. इसको ऐसे आप घिसते रहेंगे ताकि इसका जो ग्रीन पोर्शन है वो निकल जाए. वो इसलिए निकालना है क्योंकि इसके अंदर अगर आप ये ग्रीन पोर्शन नहीं निकालेंगे तो बहुत ही कड़वापन इसमें आएगा, तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है आपकी सब्ज़ी का. ये देखिए कंटिन्यूस ऐसे ही करना है और इसी तरीके सारी जो फलियाँ हैं वो सब आपको करना है. ये देखिए अभी थोड़ा ग्रीन और रह गया, ये भी बिल्कुल क्लियर कर देना और ये वाले टिप और इसका जो एंडिंग टिप है ये आपको कट करना है, इसको काट देना. देखिए आगे भी फिर इसके पीसेस करते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी आप देखेंगे. इसके अलावा यूज करेंगे इसमें दो टमाटर, हरी मिर्च, 6-7 हरी मिर्च और हरा धनिया. इसको अच्छे तरीके से आप चॉप कर लेंगे और जब आपकी सब्जी बन जाएगी तब आप उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे हरा धनिया को. बाकी सारी चीज़ें आप जो है मसाला भूनना शुरू करते हैं तो उसी में ऐड कर देंगे. और इसी के साथ साथ हमें पोटैटोज भी इस तरीके से स्क्वायर में कट कर लिए हैं तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये सारे पोटैटोज. और इसके साथ साथ जो आप अनियन और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था वो उस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गया है. अभी इसमें हमें सिर्फ जो पाउडर स्पाइसेस हैं यानी ये जो हमारे रेड मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है वो सारा इसमें ऐड करना है. सो इसमें क्या करेंगे, जो धनिया का पाउडर है आप इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे स्पाइस ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे.
टीस्पून हल्दी। तो ये देखिए हमारा हो गया है मसाला पेस्ट पर तो तैयार। इसको सिर्फ मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी स्मैश करना है ताकि जो सारे मसाले हैं अच्छे तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी प्रिपेयर कर लें और बिल्कुल रेडी हो जाए। तो देखिए हमारे जो टमाटोज हैं वो भी चॉप हो रहे हैं इस तरीके से, और हरी मिर्च जो ग्रीन चिलीज है वो भी लैमिनेटेड मैंने इसको कट कर दिया है इस तरीके से, लंबा लंबा इसको काट दिया है बीच में थोड़ा सा हरी मिर्च को स्लिट करके, और हमारा जो मोरिंगा है वो भी चॉप हो गया है। तो एवरीथिंग इज प्रिपेयर, सब कुछ हो गया है। अभी जो फर्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे कि जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं जो मोरिंगा है उसको हम सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रखेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन में नहीं हो जाता है। सब कढ़ाई पर ऑयल डालनी है जितना इसको हमें फ्राई करना है, और मिनिमम एक बड़ा चम्मच इसमें ऐड करें। तो मैं इसे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको प्रीट होने देंगे। तो तेल को जितना गर्म करना था गर्म हो गया है, तो चलिए फ्राई करते हैं। पहले थोड़ा सा फिर इसका एक पीस डाल कर देंगे, तो इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है ये वाली वेजिटेबल को बनाना, क्योंकि इसमें जब इसको हम छिलका निकालते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी पीसेस करते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, फ्राई करते हैं तो भी अच्छा लगता है। वैसे इसको फ्राई करेंगे और इसका टेस्ट थोड़ा सा जब आप खाते हैं तो बिल्कुल ग्रीजी होता है और वो टेस्ट बहुत जायकेदार होता है, वो ही फायदा। कंटिन्यूस आप इसको चलाते भी जाएंगे और ऐसे ही तेल में छोड़े भी रखेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, ऐसा फ्राई होने में ये आपका हार्डली 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से भी थोड़ा सा कम। देखिए थोड़ा लाइट ब्राउन होने लगी है, लेकिन अभी हमें इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, आपके वक्त बिल्कुल ही आपके बिल्कुल डिजॉल्व हो जानी चाहिए। सो देखिए हमारी ये जो ड्रमस्टिक थी वो इतना हमें ब्राउन कर लेना, तो ऑलमोस्ट इतना ही करना है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, आधा चम्मच जीरा उसमें ऐड करना है, जीरा इसमें ऐड कर देना है और उसको भी थोड़ा सा स्प्लिट करना है, मिक्स कर। ऑलमोस्ट ये भी हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो स्पाइस हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दूँ, थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स करेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये भी है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम करता है। अभी इसके अंदर लास्ट में टमाटोस और चिली जो चॉप किया करके रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर लें, और मसाले को थोड़ा भुनने के लिए रख देंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो चलिए इसमें हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं, ये लीजिए टमाटर भी ऐड हो गए हैं। साइड बाय साइड इसमें नमक जो कि मेन चीज़ है इसमें ऐड करने वाली, क्योंकि बिना नमक के तो सब्जी में जायका ही नहीं आता है, तो नमक भी ऐड करेंगे जितनी क्वांटिटी आप
निकाल दो, अभी सो हो गया। तो ये देखिए ऑलमोस्ट एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। माय मदर इज इंस्ट्रक्ट टू मी हाउ टू ऐड नमक इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे से पूछे नमक ज़्यादा जो होता है। लाइक वाइज आप इसको ऐसे ही मिक्स करें। मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे इसमें मसाला बनने का, इंतजार करेंगे तब तक। आगे भी देखिए आप इस तरह से बन के जो मसाला है वो भी बन गया है, गर्म हो गया और मसाला आ गया। आलू भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर जितना भी आलू हमारे गल जाए और सब्जी भी शॉर्ट और बन जाए। लास्ट में आलू ऐड कर दूँ। और इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ऐसे पकने देंगे। सो आप देखते रहिए, जितने भी स्टेप मैंने इसमें बनाए हैं वो सब आप फॉलो कीजिए और ये सब्जी आप बनाइए अपने घर पे, टेक द बेनिफिट ऑफ इट। सो बिल्कुल पककर तैयार हो गई है हमारी सब्जी। चेक कर लेते हैं आलू गले हैं कि नहीं, बिल्कुल गल गए हैं। और शोपा है ये देखिए पक्के तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो गार्निश कर देंगे लहसुन के साथ और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। और लास्ट स्टेप है अब इसमें इसको सर्व करने का, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। सुन लीजिए हमारी जो वेजिटेबल है मोरिंगा की, वो बिल्कुल तैयार हुई है और ये सर्व भी कर दिया है बिल्कुल गर्मा गर्म। तो चलिए आप इसको बनाइए और अपने घर पे एंजॉय कीजिए। बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही इसका अच्छा फायदा है। सो और भी आपको इसके बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी रेसिपी जो है ये बनाई है पसंद आती है, तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मैन ऑफ फूड हैबिट, और इसके अलावा कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।